हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पहुंचे ग्राम जमीन कटघर विकास खंड रानी की सराय तहसील निजामाबाद के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीण रामजी पांडे ने बताया कि हमारे ग्राम में लगा राजकीय नलकूप जो 3 माह से खराब है, जिससे धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। सिंचाई व रोपाई का कार्य बाधित है। ट्यूबवेल ऑपरेटर से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन वह आजकल करके बहाना बना रहा है, जिससे हम ग्रामीण काफी परेशान हैं। जिसकी शिकायत हमने उप जिलाधिकारी निजामाबाद से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को निर्देशित कर नलकूप को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाए, ताकि ग्रामीणों के सिंचाई रोपाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। क्या नाम है? रामजी पांडे। कहाँ के रहने वाले? जमीन कर घर के। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे यहाँ राजकीय नलकूप लगा हुआ है और तीन महीने से वह बंद पड़ा है। बताया जाता है उसमें प्रधानी रंजिश को लेकर के इस मामले को रोक दिया गया। ट्यूबवेल प्रधान जी नहीं चलने दे रहे हैं। कुल मिला जुला के प्रधान ट्यूबवेल बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है ये हमें नहीं पता है। बताया जाता है कि ट्यूबवेल बिगड़ा है। इससे दिक्कतें क्या क्या हो रही है? दिक्कतें यह रही कि हमारे धान की रुपाई बाधित पड़ी है। हमारी बिया जो है करीब 2.25 महीने की हो गई है। खेत में पानी नहीं है, हम रुपाई नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कहाँ गए थे अधिकारियों के पास? हम SDM साहब के पास गए थे निजामबाद। वहाँ जेई को भी फोन किया गया। ऑपरेटर को फोन करते हैं तो वो अभद्रता से बात करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ट्यूबवेल चालू हो जाए, हमारे खेत की रुपाई हो जाए, बस और कुछ नहीं चाह रहे हैं हम लोग।